तब महाराज जी मेरी जिज्ञासा कि आज हम सारे संघों की वंदना करने आए और सारा संघ का लक्ष्य कुंडलपुर की हो रहे, तो कुंडलपुर में लोग उत्सुक हैं और कुंडलपुर में क्या पूरे भारतवर्ष के लोग उत्सुक हैं कि जैसा आचार्य जी के सानिध्य में प्रतिष्ठा के समय माहौल था, उससे भी बड़ा महामहोत्सव अब पुनः होने वाला है। तो ऐसे महोत्सव में क्या घटित होगा वो आप हम सबको बताएं ताकि सबका जीवन धन्य हो। परम पूज्य मुनि के चरणों में नमोस्तु। देखिए बिल्कुल सही बात आपने की, सबकी दिशा एक है और जिस दिन सबकी दिशा एक हो जाती है उस दिन सब समाज की दशा बदल जाती है। हम एक ही लक्ष्य रखें, हम सबकी दिशा एक हो, ये संदेश मैं पूरे संसार को देना चाहता हूँ। हमारा एक लक्ष्य, हमारी एक दिशा, और एक दिशा होगी तो दशा एक होगी ही होगी। पहली बात, जहाँ तक कुंडलपुर में होने वाले भावी महामहोत्सव की बात है, आपने पूछा वहाँ क्या घटित होगा, तो मैं तो एक वाक्य में कहूँगा वहाँ जो घटित होगा वो असाधारण होगा। परम पूज्य गुरुदेव के विरासत को यावत चंद्र दिवा करो अक्षुण्ण बनाए रखने का महायज्ञ होगा। जय हो। हम अपनी गुरु परंपरा को युग युगांतरों तक अविच्छिन्न बनाने का संकल्प लेंगे। सारा संघ इकट्ठा है और गुरुदेव की कृपा से पूरे संघ की एक ही दिशा है, एक ही दृष्टि है, एक ही सोच है, तो परिणाम भी एक होगा। हम उसी दृष्टि और दिशा को लेकर आगे चलेंगे। बाकी और ज़्यादा विस्तार से करने की बात नहीं है, आप सबको मैं इतना ही कहता हूँ। आपको एक ही बात याद रखनी, वो क्या है? 16 तारीख। जय हो। कौन सी तारीख? कौन से महीने की? कौन से वार में? मंगलवार। कौन से? बस 16 अप्रैल मंगलवार। ये सबको याद रखनी है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का जो हम लोग भाव जगा रहे हैं, संकल्प लेकर उसे पूरा करना है।